डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश सिंह। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह जेनेटिक्स से रिलेटेड है। जैसा आपको जानकारी भी होगी कि जेनेटिक्स जो आपको होती भी है, पूरे बायोलॉजी के सेंस में अगर देखा भी जाए तो इसको लेकर के स्टूडेंटों में काफ़ी कंट्रावर्सी होती भी, क्योंकि बहुत से मोस्टली स्टूडेंट का ऐसा थाट होता भी है कि या तो यह टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है या तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। जहाँ तक साइंस में ऐसा देखा जाता भी है, नॉर्मल वे में कहीं भी आप देखिए, कोई भी टॉपिक तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसकी जो फंडामेंटल जो टूल्स हैं वो आपको क्लियर ना हो। तो हम यहाँ पर आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें आपको उसमें जो बेसिक छोटी छोटी जो बेसिक आपको जेनेटिक्स टर्म है जो प्राय या तो आप रट जाते होंगे या तो आपको क्लियर नहीं होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जेनेटिक्स की अगर बात किया जाए तो जेनेटिक्स को अगर देखा भी जाए तो द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस विच हैज़ टू स्टडी आपको हेरिडिटी विथ वेरिएशन के साथ, आप जानते भी हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दो टर्म आपको इस जेनेटिक्स में आया हुआ भी है, एक है हेरिडिटी है, दूसरा है वेरिएशन है। आप सब लोग जानते हैं कि हेरिडिटी का मतलब होता भी है कि दोज टाइप ऑफ करेक्टर विच हैज़ टू मूव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कहने का मतलब यही कि कभी भी कोई भी ऐसा करेक्टर जो कई पीढ़ियों से आ रहा हो उसी को ही हम या आप हेरिडिटी के नाम से आप जानते हों। और जो हेरिडिटी की जो हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि कोई भी करेक्टर जो माँ बाप से बच्चों में आपको आता भी है उसी को ही हम आप इनहेरिटेंस के नाम से जानते भी हैं। अब इस हेरिडिटी के केस में जो भी वेरिएशन आता है, जो भी जिसको हम विभिन्नता बोलते भी आता भी है, और इन दोनों को कंक्लूड करते हुए जो ब्रांच बायोलॉजी में इंक्लूड की गई है उसी को ही हम या आप जेनेटिक्स के नाम से आप जानते भी हैं। अब हमारे सामने यह आता है कि वो कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिसकी वजह से कभी भी किसी भी लिविंग बीइंग में आपको हेरिडिटी जैसे टर्म आते हैं। अगर एक ब्रॉड टर्म पर हम देखा जाए तो हम सभी लोगों के सेंस में आता है, क्रोमोसोम आता है, जीन आता है, डीएनए आता है। थोड़ा सा अगर आप कोडान लेवल पर चले जाइए तो एग्जॉन आता है, इंट्रान आता है, ये सब टर्म है। और इसमें भी लोगों में अलग अलग तरह की कंट्रावर्सी है। अब आपके सामने हम रख रहे हैं, जैसे क्रोमोसोम, जीन और डीएनए, इन तीनों को अगर एक वे में अगर हम देखें तो आप सभी लोगों को ये पता होना भी चाहिए और होगा भी कि क्रोमोसोम जो है वो दो टर्म से बना है, एक है क्रोमा और दूसरा है सोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड और सोमा का मतलब हुआ बॉडी। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आप लोगों को ये जानकारी होनी भी चाहिए कि आपको कोई भी ऐसी कलरफुल बॉडी जो आपको किसी भी इनहेरिटेंस में या हेरिडिटी में इन्वॉल्व होती है उसी को ही एक वैज्ञानिक है जिनका नाम आपको पता होगा, वाल्डेयर, उन्होंने ही क्रोमोसोम शब्द दिया है। अब क्रोमोसोम का जो इनएक्टिव फॉर्म होता है, निष्क्रिय फॉर्म होता है, जो आपको किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो रेस्टिंग फॉर्म में इंटरफेज में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। अब जब यही क्रोमेटिन थ्रेड सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, एक्टिव फॉर्म में आता है, तो उसी को हम मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम के नाम से हम जानना शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि क्रोमोसोम को सबसे बेस्ट तरीके से देखने का जो स्टेज है इन द केस ऑफ सेल डिवीजन वह मेटाफेज के नाम से हम जानते भी हैं। अब उसी के केस में कहा गया कि जो क्रोमोसोम को अगर बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिजिकल हमने इसलिए कहा हुआ है क्योंकि कलर से सेंस आपको दिया गया है। अब इसी क्रोमोसोम के अंदर आपको जो होता है वो जीन होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जीन का जो मतलब होता है वो होता है कैरी करना। और इसकी जो डिस्कवरी है, जो नाम है, वो आपको सबको पता होगा, नियर अबाउट 1902 के आसपास जॉनसन ने इसको टर्म दिया है। अलग अलग राइटरों ने अलग अलग सन को लेकर के कंट्रावर्सी आपको हो सकती भी है, लेकिन आपको जॉनसन ने इस शब्द को इस्तेमाल किया है। तो जीन का मतलब हुआ कैरी। कैरी का मतलब यही होता है कि कोई भी ऐसा करेक्टर जो आपको कई पीढ़ियों से या पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग लेके जा रहा हो उसी को ही जॉनसन ने आपको जीन शब्द दिया। इसी जीन को लेकर के ही अगर ये संभवतः अगर जीन क्लियर हो गया होता तो संभवतः जो प्रॉब्लम मेंडल के पास थी वो संभवतः नहीं रह पाती। जैसा आपको जानकारी भी होगा भी कि मेंडल की प्रॉब्लम ये थी कि वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग करेक्टर कैसे जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वहाँ पर एक उन्होंने शब्द इस्तेमाल कर दिया था फैक्टर, जो बाद में आफ्टर डेथ आप कह सकते हैं। और आपको पता भी होगा, हल्का फुल्का जानकारी भी होनी चाहिए कि मेंडल की जो डेथ आपको होती है एक पर्टिकुलर डिजीज़ से होती है जिसको हम या आप ड्रॉपसी डिजीज़ के नाम से आप जानते हैं। हालांकि मेंडल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं जीन में भी, अब किसी भी क्रोमोसोम के जिस साइट पर जीन होता है उस साइट को हम या आप लोकस के नाम से आप जानते भी हैं।
अब आपको जानकारी ये भी होगी कि हमारे बॉडी में, अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो लगभग 30 से लेकर के 40,000 के आसपास जीन होते हैं। ये जीन आपको सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब सेम और डिफरेंट का मतलब है उनकी पोजीशन, मतलब वो होमोलोगस भी हो सकते हैं और नॉन होमोलोगस भी हो सकते हैं। जिसको अगर देखा भी जाए, अगर सेम से बिलोंग करते हैं या उसी में आपको एक शब्द मिलता है एलील, तो एलील जो शब्द होता है इसका मतलब होता है कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर। और एलील जो होता है वो हमेशा आपस के करेक्टर में ही होता है। जैसे कलर का कलर में ही तुलना कर सकते हैं, कलर का शेप में नहीं करेंगे। अगर कहीं कलर का शेप में अगर आपने कर दिया तो इसको हम आप नॉन एलिलिक के नाम से आप जानते हैं। एक मोटा सा मैं आपको आइडिया दे आसानी से समझने के लिए आपको, जैसे जो मेंडल के जो दो लॉ दिए गए हैं, हालांकि बहुत सी किताबों में तीन लॉ दिए गए हैं, लेकिन आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि मेंडल के सिर्फ दो ही लॉ हैं। एक लॉ का नाम आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और दूसरा जो लॉ है वह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और वैसे भी मेंडल ने कोई नियम नहीं दिया हुआ है, इसलिए किताबों में आप पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ ना कि मेंडल लॉ। हालांकि इसके केस में भी देखा भी जाए तो जो फर्स्ट लॉ मेंडल्स लॉ है, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करते हैं, उसको आप एलिलिक इंट्रैक्शन बोल सकते भी हैं। और वहीं पर आपको जो दूसरा लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम आप नॉन एलिलिक के नाम से आप जानते हैं, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड है, इसी में दो करेक्टर लेते हैं और दोनों करेक्टर में जैसे कलर या शेप को आप ले सकते भी हैं। तो अधिकतर चीज़ों में देखा जाता है कि बहुत से स्टूडेंट में प्रॉब्लम है, वो एलिलिक और नॉन एलिलिक को ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो एलिलिक का मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एलील का मतलब होता है कि कंट्रास्टिंग, और तुलना हमेशा अपनों के बीच में ही होती है। कलर का कलर में होगा, शेप का शेप में होगा, साइज का साइज में होगा। अगर इसमें कंपेयर अगर हो रहा है, जैसे रेड का व्हाइट में कर दीजिए आप, राउंड का रिंकल्ड में कर दीजिए आप, इसको हम एलिलिक बोलते हैं। और कहीं पर अगर आपने राउंड का आपने व्हाइट से कर दिया, इसको हम आप नॉन एलिलिक के नाम से आप जानते हैं। उसी के आधार पर एलिलिक इंट्रैक्शन को हम आप इंट्राजेनिक और नॉन एलिलिक को हम आप इंटरजेनिक के नाम से आप जानते भी हैं। अब हालांकि ये सब टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसको हम लोग अलग वीडियो में क्लियर करेंगे। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि जो जीन के केस में भी है, तो इसकी जो मेन डिफिनेशन शॉर्ट वे में आपको आती है, छोटा रिचार्ज टाइप समझिएगा आप, कि आपकी इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और जो जीन होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए से बना होता है। और जब डीएनए की आप बात करेंगे तो आपको पता होगा कि डीएनए जहाँ जहाँ भी पाया जाएगा उसको आप सेमी ऑटोनोमस की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए जिसके पास डीएनए होगा वो अपने जैसा आकार बनाने की एबिलिटी रखता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जानकारी भी होगी कि सेल में तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। जब अपना खुद का डीएनए होगा तो ये अपने जैसी एबिलिटी को बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से सेल की डिफिनीशन में सेल्फ रिप्रोडक्शन की एबिलिटी आपको आती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है यह सेंट्रल डॉग्मा से आपको रिलेटेड है। तो मेन आपके सामने सिर्फ हमने रखा हुआ है क्रोमोसोम, जीन और डीएनए में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस। और सब जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे।